अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी आज जो मेरे साथ ये आप कंपेनियंस देख रहे हैं, ये आज मेरे साथ इसलिए बैठे हैं कि आज हमने प्लान किया कि आज हमने एक गेम खेलनी है जिसका क्या नाम है, नेवर हैव आई एवर। हमने गेम खेलनी है। इस गेम के रूल्स ये हैं कि कुछ हमारे से सवाल पूछे जाएंगे और अगर हमने वो लाइफ में किया है तो हम करेंगे आई हैव और जिसका साइन होगा ये, और जो होगा जो हमने कभी नहीं किया काम तो उसको कहेंगे नेवर, जिसका साइन होगा ये। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस की एक पूरी लिस्ट है जो हमसे पूछी जाएगी, तो देखते हैं कि किसका बचपन कैसे गुजरा, किसने क्या क्या किया लाइफ में। अभी आपने किसी टेस्ट में चीटिंग किया? सवाल ये होना चाहिए था कि किसी टेस्ट में चीटिंग नहीं किया है, मेरा तो ये है। आप लोग भी सारे ऐसे हैं? नहीं, मैं रेयरली, ये रेयरली करते जब बहुत मुश्किल टेस्ट आया होता ना और कोई चीज नजर नहीं आ रही होती पास होने के लिए, तब ये देख लेते साथ वाले। जी मैं सच यही हुआ था, मेरी आंखें खराब हैं तो फिजिक्स के प्रैक्टिकल एग्जाम जो भी 9th के गुजरे हैं उनमें मैंने थोड़ा ऊपर होके साइड से झाड़ दिया। अच्छा, ऊपर होके साइड से झाड़ दिया, ये नया तरीका मुझे बताया, मैं तो बैठ के देख लेता। नहीं, वो स्टैंडिंग था ना, स्टूल पे ठहर के आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना था। अच्छा, इन्विजिलेटर आपके साथ नहीं होते थे? मैं प्रैक्टिकल एग्जाम था उसमें। अच्छा सर, वो साथ देख लिया था। हां, एक्यूरेसी यू आंखें टेढ़ी करके ना। अच्छा सर, मतलब काड़ी आपसे बना दी जाएगा। नहीं भाई, सही में काम है। अभी आपने स्कूल स्किप किया? कभी आपने कैंपिंग किया? नहीं, मैं हमेशा, मेरी ये एक ख्वाहिश है कि मैं जाऊं कैंपिंग करूं, बिल्कुल जैसे मस्त मलंग की तरह कहीं जाऊं, कुछ ना हो मेरे पास, सिर्फ कैंपिंग करूं, खाऊं पीऊं और सब कुछ करूं, लेकिन हमेशा की तरह मेरे साथ फैमिली होती है और मुझे अब दुख है। कभी आपने गाड़ी ठोकी है? हम आपके साथ हैं। कभी आपने गाड़ी ठोकी है? मैंने एज सच गाड़ी ठोकी नहीं थी, वो ये हुआ था कि मेरे पास मैसेज आया था ऐसे बंदे के, तो मुझे रिप्लाई करना पड़ा तो इन शॉर्ट ठोक गई। सॉरी, मेरे जितने भी दोस्त हैं तो मैं दिन में अगर उनसे 10 दफा बात करता हूँ तो 8 दफा झूठी बोलता हूँ, लेकिन वो वाला झूठ है जिससे किसी का घर बर्बाद नहीं होता, आबाद होता है। मतलब अच्छे झूठ होते हैं, किसी का नुकसान वाले झूठ नहीं होते, प्रैंक टाइप होता है, प्रैंक मोटा। मेरा भी तो ये होता है, माइनर प्रैंक्स। आई हैव। कभी आपने फेक आईडी बनाई है? नहीं, सारे काम मैंने, सारे उल्टे काम मैंने किए। मैंने बनाई थी लेकिन अपने लिए नहीं बनाई थी, मैंने किसी अपने दोस्त के लिए बनाई थी क्योंकि उससे कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी, तो लड़की बन के उसको रिप्लाई। सारे काम मैंने किए, दोस्ती नहीं भाई, यार दोस्ती, फ्रेंड। कभी आप क्राउड में गिरे हैं? और मैं इस तरह गिरा था कि मैं पॉइंट पे जा रहा था और वो वहाँ पे सारे, क्योंकि यूनिवर्सिटी होती थी, यूनिवर्सिटी में जैसे ही पॉइंट उतारा था तो मैंने कोशिश की मैं पॉइंट से पहले उतर जाऊँ, सबको जरा इम्प्रेस करूँ, वो चल रहा मैं उतर जाऊँ, तो मैं उतरा। वैसे मैं उतरता जमीन पे लेकिन जब उठा तो मैं उतर जाऊँ। मेरे पीछे धक्का पड़ा और मैं गिरा और मेरे पर पता नहीं कुछ चढ़ गया, बहुत दर्द हुआ। कभी आपने अपने एज के बारे में झूठ बोला? हाँ, पहले नहीं, यस आई हैव, हमेशा मैंने अपने आप को बड़ा दिखाने की हमेशा कोशिश की और मैंने हमेशा छोटा दिखाने की कोशिश की। जब से ये दाढ़ी आई है तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं सब कहूँ कि आई एम 20 21। कभी आपने किसी को प्रैंक कॉल किया है? जी, इस गुनाह में मैंने नहीं। जब मेरा फोन पहली दफा आया था तब उठा, तो फिर हमने अपनी फैमिली में किसी को प्रैंक कॉल कर दी थी। तो क्या आ गया उनको? उन्होंने कहा कि इसने मोटी आवाज निकाली अजीब सी कि पिज्जा आपका ऑर्डर था, तो वो फिर हाँ भी करने लगे, फिर उन्होंने कहा हमने नहीं दिया, लेकिन फैमिली वाले हमेशा हमें वैसे भूख भी लगी होती है। कभी आपने कोई चीज चुराई है? कभी आपने नहाते हुए गाना गाया है? इतना गाना गाया, इतना गाना गाया कि गाने बहुत अच्छी आवाज आती है, अरिजीत फील करता हूँ। कभी आपने किसी वजह के बगैर रोए हैं? किसी वजह के बगैर बचपन में शायद रोया हूँ, किसी वजह के बगैर आई है काफी दफा। नहीं,
बचपन में किसी भी वजह के बगैर रो, क्योंकि बंदे को पता नहीं होता कि उसकी मतलब क्या काम क्या था उसका। हाँ मतलब सिर्फ सैड वैसे डिप्रेशन अचानक एक्टिंग ऐसा नहीं मेरे साथ ही हुआ। मैं नहीं रोता, मैं अगर रोता भी था बचपन में खिलौने के लिए और बड़े होके। कभी आप झूठा बीमार हुए हैं? कभी आप झूठा बीमार हुए हैं? झूठा बीमार में बहुत अक्सर अक्सर बचपन में बहुत है। मुझे याद है मैं जो है मुझे याद है गर्मी होती थी लेकिन फिर भी मैं कंबल डाल के सोता था ताकि कि मैं सुबह उठूं तो मेरा जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज्यादा हो। और अम्मी आती थी तो वो चेक करती हूँ कहती थी सोम पे बल। मेरा भी क्या होता है सबसे ज्यादा बहाना करके मैंने तो एक बार इतना मतलब गंदा बहाना किया कि मुझे हॉस्पिटल लेके गए एक घंटा पूरा अंदर आ और एंड में इंजेक्शन लगवा के आया। हालांकि मैंने सारा इसका ज्यादा हो गया था इसको लेने के मैंने बहाना किया कि मेरा घुटना ठीक नहीं है तो मैं ऐसे ऐसे करके जुटा था चीजों से सारा ले लेंगे। आप कुछ बोलेंगे बुखार का बहाने खेलते छुट्टी के लिए स्कूल बहुत ज्यादा किए हैं बहुत आम वी ऑल हैव। कभी आपको अपनी टीचर पे क्रश हुआ है? दो मिनट दीजिएगा मैं रुक गया दो मिनट का बताओ वैसे बहुत आई है मेरी, हाँ, मेरी टीचर थी तो जैसे ऑलमोस्ट हो जाता है सबको तो मुझे भी ऐसे ही हो गया अच्छी लगने लगी क्रश हो गया। तो एक दिन वो आई तो साथ उनके कोई बच्चा भी था 4-5 साल का तो सब दिल टूटा हो गया। तो पहले तो मैं बड़ा उसके साथ खेल रहा था तो वो भी मुझे अच्छा लग रहा था फिर पता लगा उनका बेटा है तो मैं 2 दिन स्कूल नहीं गया। आप भाई समझे होंगे। तीसरे दिन फिर मुझे घर वालों ने भेजा। कभी आपने किसी को पंच किया है? चमाट मारी मेरी बहुत कम हुई है लड़ेगा लेकिन हुई है। तो एक दफा मैंने मारा था और ज्यादा लग गया था उसको। एक दफा मैंने मारा और उसकी नाक निकलने लगी। हसन ने भी एक दफा मारा था बल्कि हसन ने बहुत मार लिया था लोगों को। जैसे ही फिर लास्ट टाइम मार लगा ना उसके बाबा ने उठा दिया उसने कहा बेटा स्कूल जाने लगा। मैं कह सकता सही है। जी जैसे कि आप लोगों ने देखा है आज हमारी गेम हो गया कंप्लीट और हमने कोशिश किया जितने भी हमारे सीक्रेट्स थे वो हम रिवील करें और मुझे तो बहुत मजा आया है। तो आपको कैसा लगा? बहुत मजा आया जी आज से शायद मैंने इतने सच कभी बोले हूं मजा आया बहुत। और आपके कैसा लगा? डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है मजा आया। और हम सच इतने कभी नहीं बोले होंगे वैसे जी। हम सबको बहुत मजा आया और आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक हम सब की तरफ से है इजाजत तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।